राजकीय प्राथमिक बाल स्कूल हमीरपुर के केंद्रीय मुख्य शिक्षक कुसुम कुमारी ने पाठशाला में प्रथम कक्षा से लेकर पांचवी कक्षा तक के स्कूली बच्चों को आधार सुविधा से जोड़ा है। इन बच्चों को स्कूल में दाखिला लेने से शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। हमीरपुर नगर परिषद में रहने वाले अप्रवासी परिवारों के इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। दोपहर बाद इन स्कूली बच्चों को केंद्रीय मुख्य शिक्षक कुसुम कुमारी ने पाठशाला के बच्चों को आधार कार्ड की सुविधा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बच्चों के शिक्षा विभाग की ओर से मिलने वाले छात्रवृत्ति के बारे में भी जानकारी दी। स्कूली बच्चों का पाठशाला में एडमिशन के दौरान इन बच्चों के अभिभावकों ने बच्चों को आधार कार्ड नहीं बनाए थे। केंद्रीय मुख्य शिक्षक ने स्कूल के करीब 60 बच्चों के आधार कार्ड बनवाए। उन्होंने बताया कि स्कूल ने करीब 35 बच्चों जिसमें पहली से पांचवी तक के दाखिले लिए हैं, उनमें अधिकतर अप्रवासी थे जो अपने बच्चों के आधार कार्ड किन्हीं कारणों से नहीं बना पाए थे। शिक्षा विभाग की ओर से इन बच्चों के निशुल्क पुस्तकें तथा पाठ्य सामग्री भी शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पहली कक्षा में इस बार नए दाखिले में स्थानीय वार्ड के लोग तथा अप्रवासी लोगों ने बच्चों के प्रति शिक्षा की रुचि को दर्शाया है। आने के लिए इनको यहाँ लाया, जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड दोनों इकट्ठे बनाने हैं यहाँ से, तो इनके माता पिता ने घर घर जाके इनको प्रोत्साहित किया कि इन बच्चों को पढ़ाओ। काफ़ी बच्चे उम्र में भी बच्चे 8-9 साल के हैं, तो उनको बुला के मैंने कहा आधार कार्ड वगैरह की जरूरत करते हैं, वो कहते हैं ना टाइम है, तो मैंने कहा मैं कुछ बनवाऊँगी 3 बजे के बाद, अपने आप आधार कार्ड जन्म प्रमाण के माता पिता से डेट ऑफ बर्थ लेके ना और एड्रेस पूरा पता लेकर इनकी एडमिशन करवाई। 30 सितंबर तक चलती है।